वक्ते व्हीएस प्रांताच्या प्रत्येक कार्यासाठी बोलवले जातील, जेणेकरून तुम्हाला मला चांगले चांगले विचार ऐकायला भेटतील. आज खऱ्या अर्थाने विनोद खटके तुमचं मला अभिनंदन करावंच वाटतं. बीएस पॅन्थर युवा संघटनेचं पहिलं महाअधिवेशन एवढं यशस्वीरित्या या ठिकाणी संपन्न होत. आणि आपल्या पहिल्या महाअधिवेशनाला आपल्याला कन्हैया कुमार प्रमुख वक्ते म्हणून लाभले याचही मला कौतुक आहे, कुतूहल. पिछले 3 सालों में माननीय मोदी जी, गरीब प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने गरीबों के लिए क्या किया है, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं. आपने जो कानून बनाए हैं, आपने जो भी नीति लागू की है, उससे इस देश की गरीबों की क्या हालत हुई है, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं. मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 16 महीनों में रसोई गैस का दाम 19 बार क्यों बढ़ाया गया, और इससे किसके घर में चूल्हा जलना बंद हो जाता है, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप चाय बनाए हैं तो कि चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती की जरूरत होती है, तो उस चाय की पत्ती को उगाने वाले, चाय के बगान में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनके लिए आपने क्या किया, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो किसान दूध की पैदावार करते हैं, वो किसान आज आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, पेड़ पे लटक करके फांसी क्यों दे रहे हैं, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मराठवाड़ा की धरती है, गन्ना की खेती करने के लिए लोग यहां से दूसरे इलाकों में जाते हैं, चाय में चीनी भी डालते होंगे माननीय मोदी जी, तो उन गन्ना किसानों के बारे में आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, उन मजदूरों के बारे में आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि उनके बाल बच्चों के लिए, उनके जीवन के लिए आपने क्या किया है, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं. ये सवाल जब आप उनसे पूछेंगे तो उनके पास एक जवाब होता है, वो या तो आपको कह देंगे कि आप कांग्रेसी कुत्ते हैं, या आपको कह देंगे कि आप देशद्रोही हैं. तो पहले कांग्रेसी कुत्ते वाली बात पे जो है हम विचार कर लेते हैं. आजकल बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, और ये आरोप स्वयं प्रधानमंत्री और उनका पूरा का पूरा कुलवा लगाता था. आजकल उनके लिए कारपेट बिछाया गया है कि आइए, आजा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जाना.